हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया लॉग शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक नेचुरल पिकनिक स्पॉट जो कि है वाटरफॉल। नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिगमा विलेज है और वहाँ पर ये नेचुरली बढ़िया सा वाटरफॉल है। तो गाइस, आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ डिगमा वाटरफॉल की ओर, जो कि एक नागपुर डिस्ट्रिक्ट के हिंगना तहसील के अंदर कानोली बारा रोड पर आमगांव देवली से आगे राइट हैंड साइड में बोरगांव से डिगमा के बीच में ये नेचुरली वन डे पिकनिक स्पॉट डिगमा का वाटरफॉल है, जो कि लॉकडाउन के वजह से रेनी सीजन में इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है। तो सोचा चलो इसका लॉग आपके साथ शेयर किया जाए और आपको सही जानकारी दी जाए। तो गाइज, इसी रोड पर सबसे पहले आपको मिल जाता है वासुदेव झील और रिसॉर्ट, जो एक वन डे टू डे पिकनिक स्पॉट है। बड़ा सा तालाब है, आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। इसी रोड पर आपको अमेरिकन सिस्टम फ्लैट सिस्टम देखने को मिल जाती है। इसी रोड पर आपको राइट हैंड साइड में बोरगांव डैम करके है बड़ा सा तालाब, इसी तालाब का पानी हिंगना तहसील को सप्लाई होता है, वो देखने को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, वन डे पिकनिक आप मना सकते हो। वैसे तो ये गांव बहुत छोटा सा है हिंगना तहसील के अंदर जंगल में, लेकिन इसी गांव में, इसी गांव के रोड पर सबसे ज़्यादा फार्म हाउस है, सबसे ज़्यादा तालाब रिसॉर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े रिसॉर्ट्स हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग की जाती है शादियों के लिए, पार्टियों के लिए, फंक्शंस के लिए। तो गाइज़, अगर आप इस जगह की जानकारी लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आके जानकारी मिल सकती है, या फिर आप नेट पर सर्च करके इस जगह की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। तो गाइज़, ये आ गया बोरगांव, जो कि एक छोटा सा गांव है, और ये गांव मेरे पापा का बर्थ प्लेस है। आधे से ज़्यादा गांव तालाब में डूब गया था, तो उसके वजह से आधा हिस्सा दूसरी ओर जाके बस चुका है। इसी गांव से थोड़ा आगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको झुनका भाकर केंद्र मिल जाता है, जो कि एक फार्म के अंदर एक फार्म हाउस है छोटा सा, वहाँ पे इन्होंने झुनका भाकर केंद्र शुरू किया है स्पेशली विजिटर के लिए। अगर आप उस जगह पे विज़िट करते हो तो वहाँ पर खाना खाने के बाद आपको बैलगाड़ी में बिठाकर जंगल की, डैम की, तालाब की, बड़े बड़े फार्म हाउसेस की सैर की जाती है। तो बहुत ही बढ़िया झुनका भाकर सेंटर है, जहाँ पे आपको चूल्हे का खाना प्योर वेज मिल जाता है। तो अब हम जा रहे हैं डिगमा वाटरफॉल की ओर। तो ये रास्ता जंगल से होते हुए गुजरता है, हरा भरा जंगल है और ये फॉरेस्ट रिजर्व है। यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं। अगर आप बाइक से, कार से आते हो तो यहाँ पर केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, कभी कभार हम कोई लॉग जिसकी सही जानकारी हमें नहीं होती है तो लॉग देखने के बाद ही हम उस प्लेस पे जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल पिकनिक स्पॉट हो चुका है इस लॉकडाउन में। तो मैं इधर के टाउन से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे इसकी सही जानकारी है। तो सोचा चलो इसकी जानकारी आपके साथ शेयर की जाए। जब भी कब ये लॉग जब वायरल हो जाएगा तो आप इस लॉग को देखने के बाद इस प्लेस पर सही तरीके से आ सको। तो गाइस, देगमा जाने के पहले हमें जाना है वाटरफॉल, जो कि पहले आता है। यहाँ से हमें राइट हैंड साइड में जाना है जंगल की ओर, जो कि आधा एक किलोमीटर हमें अंदर जाना है कच्चे रास्ते से। तो अब हम जाने वाले हैं वाटरफॉल की ओर। तो गाइस लीजिए, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये रहा इसका आजू बाजू का व्यूज़। बहुत ही बढ़िया साइलेंट एटमॉस्फियर है, फ्रेश लग रहा है रेनी सीजन में, हरा भरा जंगल, बहुत ही बड़ी ग्रीनरी, काफ़ी अच्छी सीनरी है जो देखने लायक है। वैसे तो मैं यहाँ पर आई हूँ थर्सडे को अपने फैमिली के साथ, वो भी अर्ली मॉर्निंग, तो यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। वैसे तो यहाँ पर सैटरडे और संडे को 2000 से 3000 पब्लिक होती है और इतनी ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं रेनी सीज़न में। तो जब हम आए हैं तो बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, पानी भी कम है, तो मैंने सोचा चलो ऐसे सीज़न में जाके इसका लॉग बनाया जाए। तो यहाँ पर देवली सांगी से कुछ लोग अपने स्टॉल लगाते हैं विज़िटर्स के लिए, जैसे कि पानी का, पानी पूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज़ के स्टॉल यहाँ पर लगाते हैं। तो गाइज, वैसे तो अभी हम हैं वाटरफॉल के ऊपर साइड में और हमें जाना है नीचे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा वो झरना। तो पानी की क्वांटिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा, बहुत बहुत कम है। अगर हम रेनी सीज़न में जब बारिश ज़्यादा होती है तब आए होते तो इसका पानी इतना ज़्यादा बहता है, बहुत ही ज़्यादा पानी यहाँ पर बहता है और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है, बहुत डरावना ये झरना है। वैसे तो ये ऊपर साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ और हमें जाना है नीचे की ओर।
ऊपर की ओर से हमें नीचे की ओर जाना है कच्चे रास्ते से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा छोटा रास्ता है, और वहाँ पे बारिश के मौसम में जाना बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, तो आप केयरफुली जाइएगा। वैसे तो इस जगह पर ज़्यादातर लोग नागपुर से आ रहे हैं इन 2 सालों में पूरे फैमिली के साथ, तो मेरे साथ मेरे पापा हैं गाइस, तो पापा से इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। तो गाइस हम वॉटरफॉल पहुंच चुके हैं। जे आहे गुफा, इथं आजूबाजू जे सगळे लोक नॅचरली असल्यामुळे आंघोळीला यायचे, शिवरात्रीला यायचे, आणि नागपंचमीला येतात। आम्ही नागद्वारचे हमेशा जातो नागद्वारला, तर ते नागद्वारचे लोक तिकडनं दर्शन घेऊन प्रथम इथे इथे येत येतात। अच्छा, आणि मग इथे आंघोळ करून आपापल्या घरी जातात। अच्छा, हे गुफा होती पण आता पावसामुळे पाण्यामुळे हे खसत खसत गेली, खसत खसत गेली। महादेवाचं तिथे यात्रा भरते हर शिवरात्रीला, परिसरातले लोक इथे येतात, सगळे भजन पूजन कीर्तन मोठा एकटा करतात, आणि त्याच्यामुळे हे प्रचलित झालं आणि ह्या धबधबा एक। तो गाइज, इस झरने के बारे में पापा से हमने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है। वैसे तो मेरे पापा इधर के टाउन से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको बहुत अच्छे से पता है इस जगह के बारे में, पर मैं भी इस जगह को बचपन से देखते आ रही हूँ, क्योंकि हम भी एक नागद्वार की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। पापा ने बताया कि जितने हमारे एरिया के लोग नागद्वार जाते हैं, वहाँ से आने के बाद सबसे पहले तो वो इसी जगह पर आते हैं। इस जगह के अंदर स्नान करने के बाद वो अपने अपने घर जाते हैं पूजा वगैरह समाप्त करके। तो पापा ने मुझे बताया कि इस जगह पर पहले कोई वाटरफॉल नहीं था, कोई झरना नहीं था। इस जगह पर सबसे पहले तो मतलब कि 25-30 साल पहले बहुत बड़ी गुफा थी, तो ये गुफा अभी बारिश के वजह से, ज़्यादा बारिश के वजह से टूट चुकी है, जो अब झरना बन चुका है। तो वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये लग रही है ना बिल्कुल जैसे गुफा, एक बहुत ही बड़ी गुफा, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हैं। तो ये टूट चुकी थी, इसके अंदर छोटा सा पानी का झरना था, टूटने के वजह से इस पानी का झरना अब बहुत बड़ा बन चुका है। तो जब ज़्यादा पानी आता है ना, तो बहुत ज़्यादा पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो बहुत बड़ा वाटरफॉल यहाँ पे बन गया है। और लॉकडाउन के वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आना शुरू हो चुके हैं बारिश के सीज़न में, तो इसके वजह से ये ज़्यादा वायरल हो चुका है। वैसे तो यहाँ पर आजू बाजू के गाँव के लोग आते हैं और पूजा करते हैं यहाँ पर। वैसे तो महाशिवरात्रि और नागपंचमी के दिन लोग पूजा करने आते हैं, छोटा सा मेला लगता है। तो ये रहा वो वाटरफॉल। तो गाइज, आई होप आपको आज का मेरा वन डे पिकनिक डिगमा वाटरफॉल का जो वायरल प्लेस है, उसका वीडियो, उसका लॉग पसंद आया हो। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिएगा, और रेनी सीज़न में आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत ध्यान से केयरफुली इस जगह पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा।